You're not going to master the rest of your life in one day. Just relax, master the day, and just keep doing this every day. सुबह उठते हैं और अपने आप को अपने दिन के हवाले कर देते हैं और हम पूछते हैं कि क्या है भाई आज हमारे लिए, ऑफिस, घर, बॉस, दोस्त, किस किस ने हमारे लिए क्या काम रखे हैं, चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट. हम ऐसा नहीं करते कि हम शाम को बैठ के अगले दिन के जितने भी हमने काम करने हैं उनकी लिस्ट बनाएं और ये तय करें कि ये काम इतने बजे, ये इतने बजे, ये इतने बजे, इतने मान ले नहीं हुए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर करें, अगले दिन फिर करें. एक हफ्ते, एक महीने बाद हम इस स्केड्यूल को फॉलो करने लगेंगे और हमें ये करते हुए मज़ा आने लगेगा और हम इसके रिजल्ट्स देखते हुए और मोटिवेट और इंस्पायर होने लगेंगे अपनी इस एक्टिविटी से. वाजे तौर पे आप देखेंगे कि आपके दिन की प्रोडक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी. ना सिर्फ बेहतर होगी बल्कि एक खुशी और हैप्पीनेस अकम्पलिश फीलिंग भी आने लगेगी. जब अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आती है देन यू गेट सेल्फ एस्टीम. तब आप कहते हो कि ओ यस, मैंने कुछ अच्छा किया एंड मैंने खुद को खुद शाबाश दी. आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आप वाजे तौर पे डिफरेंशिएट करते हैं, आप नज़र आने लगते हैं कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेटर ऑप्शन. सो इसलिए हमेशा अपना दिन एक दिन पहले प्लान करें और अगर हो सके तो हर महीने की 31 तारीख को बैठ के अपने पूरे अगले एक महीने का प्लान अपने पास नोट कर लीजिए. आहिस्ता आहिस्ता आप इम्प्रूव करेंगे कि कैसे अच्छा प्लान करना है, कैसे अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है, कैसे अच्छे तरीके से आपने अपनी टू डू लिस्ट को अपने टास्क और फिर डन टास्क में कन्वर्ट करना है. छोटी छोटी चीज़ें हैं. एप्पल कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हैं या आईफोन यूज़ करते हैं, नोट्स ऐप है, उस ऐप को यूज़ करें टू डू लिस्ट बनाने के लिए. कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी यूज़ करते हैं, लैपटॉप, फ़ोन, उसमें कैलेंडर का ऑप्शन होता है, उसमें जाके लिखें अपने तमाम टास्क उस दिन की डेट के अंदर. जैसे ही आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पर्सनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम. यस, जैसे कंपनीज का होता है, कोई फूड कंपनी है, कोई सीमेंट कंपनी, कोई स्टील कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर हाउस, वो अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करते हैं कि वो कितने प्रोडक्टिवली अपनी टीम से काम करवा रहे हैं. आप और हम अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी सिस्टम जब नहीं बनाते तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने पास्ट में क्या किया है, अभी क्या कर रहे हैं, आगे क्या करेंगे और उसके बदले में होगा क्या. इसलिए सिर्फ और सिर्फ अगर आप टू डू लिस्ट और कैलेंडर, ये दो चीज़ें मेंटेन करना शुरू करें तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में वाजे फ़र्क आएगा. वाजे फ़र्क करके देखें, ना फ़र्क आए तो मुझे ज़रूर पूछिएगा और अगर फ़र्क आए तो इस वीडियो के नीचे तब आके एक महीने बाद, दो महीने बाद कमेंट करके बताइएगा कि वाकई जो बात मैंने की है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई. ऑल द बेस्ट, शुक्रिया.